आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो के 2024 के नए स्प्लेंडर 2024 एक्स टेक 2.0 मॉडल में क्या क्या नए अपडेट आए हैं, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर सारा डिटेल में मिलेगा। और मैं आपको कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हो अपने चैनल वेंचर विद विनोद को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हीरो की स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। स्प्लेंडर प्लस आता है, स्प्लेंडर एक्स टैग आता है, सुपर स्प्लेंडर आता है, ये सब स्प्लेंडर के ही एक सब वेरिएंट है। तो इसी में एक आता है स्प्लेंडर एक्स टैग, जो कि अभी दो तीन साल पहले लॉन्च हुआ था कंपनी में। अभी उसी का ना एक इन्होंने स्पेशल एडिशन 2.0 निकाला हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे अपडेट हुए हैं, जो कि जो पहले स्प्लेंडर आता था उससे बहुत ज़्यादा ये अपडेटेड है और फ्यूचरिस्टिक एकदम देखने में लगती है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपडेट हैं। सबसे पहला इसमें कलर अपडेट आया है। कलर अपडेट में इसमें सबसे प्यारे प्यारे दो कलर और बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम कैटेगरी के कलर इसमें निकाले गए हैं। इसमें से एक आता है मैट ग्रे एंड सिल्वर विद ऑरेंज स्ट्रिप लाइंस के साथ, तो जो कि आप स्क्रीन पर देख लोगे। और दूसरा आता है इसमें ग्लॉसी ब्लैक प्लस ग्रे, इसमें एक इसमें कलर पैटर्न दिया हुआ है और इसमें रेड स्ट्रिप आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये ऐसा इसमें ग्राफिक्स का डिज़ाइन होने वाला है और कलर का डिज़ाइन ऐसा कुछ इसमें होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। जो पहले स्प्लेंडर आती थी ना, जो थोड़ी सिंपल लगती थी, सिंपल से बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया है। तो वीडियो में आगे बने रहना, आपको भी ऐसे ऐसे इसके अपडेट पता लगेंगे ना, जो आपने अभी तक शायद ही सोचे होंगे स्प्लेंडर के अंदर होंगे, या फिर लोग उसको ना अपने आप बाहर से मॉड करवाते थे, बाहर से उसमें चीज़ें लगवाते थे, लेकिन अभी सब चीज़ें कंपनी ने उसके अंदर दे दी है। इससे पहले कंपनी ने थोड़ी बहुत चीज़ें हटाई थी बाइक में 01 एडिशन दे के, लेकिन अभी कंपनी ने उससे भी ज़्यादा चीज़ें हटा के और उसको अपडेट कर दिया है। तो चलिए फिर सबसे पहले अपडेट की बात करें, तो इसके अंदर फर्स्ट टाइम 100cc जो स्प्लेंडर आता है ना, उसके अंदर LED हेडलाइट का यूज़ किया गया है। इसमें हाई बीम लो बीम दोनों LED के अंदर आपको मिलेंगे, प्लस इसमें जो DRL पहले आता था ना एक्सट्रैक में ऊपर हेड के ऊपर, अब वो DRL आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा। तो जो DRL है प्लस LED है, LED हेडलाइट है, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन कंपनी ने चेंज करके नीचे एक जगह पे कर दिया है। और फ्रंट में इसका जब ये जलती है तो थोड़ा एक H जैसा इसमें एक लोगो आता है, जो कि हीरो के H को एकदम सिंबल करता है ये। अगले अपडेट की बात करें तो उसमें आपको मिलता है कि जो इसके अंदर इंडिकेटर्स है ना, उसको चेंज कर दिया है कंपनी ने। जो इसके अंदर आपको टर्न इंडिकेटर है ना, वो आपको अब पैशन प्रो और सुपर स्प्लेंडर में जो कंपनी यूज़ करती थी, वो कंपनी ने डाल दिया है। कंपनी का कहना है कि वो जौन सा इंडिकेटर है वो काफ़ी ज़्यादा चलता है, काफ़ी ज़्यादा उसकी लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो स्प्लेंडर में आता है वो जल्दी टूटता है या ख़राब होता है, तो इस चक्कर में उसमें डाला गया है। अभी देखते हैं कि ये हमारे जो नए लोग हैं उनको ये कैसा लगता है। तो चलिए फिर अगले अपडेट की बात करते हैं। तो अगले अपडेट है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है 100cc की बाइक में। ये वाली चीज़ किसी बाइक में नहीं आई थी, सिर्फ और सिर्फ इसी बाइक में आई है, जो कि 2.0 हीरो की स्प्लेंडर एक्सटेक होने वाली है 2024 मॉडल। वो है इसके अंदर आपको 1000 स्विच देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आप ब्लिंकर लगवाते हो, या फिर इसमें आप फ्लैशर लगवाते हो, या फिर उसमें कनेक्शन करवा के चारों स्विच एक बार में चलवाते हो, तो वो कंपनी ने अपने आप ही उसमें दे दिया है। उसमें आपको डेडिकेटेड बटन मिलेगा एक बढ़िया, उससे आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। वैसे 1000 स्विच के ऊपर मैं किसी दिन फुल वीडियो बनाऊंगा कि 1000 स्विच का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो चलिए फिर अगले चेंज की बात करते हैं। तो अगला चेंज है वो इसका एग्जॉस्ट जो है ना, पीछे साइड से पहले थोड़ा सा हल्का सा उठ के आता था, लेकिन अभी वो ना हल्का सा उसको प्लेन सपाट कर दिया है। अभी जो इसमें साइड बाय साइड में दोनों आपको फोटो भी दिखाता रहूँगा कि इसके अंदर क्या पहले था और क्या अब है, ये दोनों चीज़ें भी आपको पता लगती रहेंगी, ताकि आपको बेटर आइडिया लग सके। बात करें कि रेयर्स इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, तो रेयर्स में इसमें टेल लाइट है ना, उसको चेंज किया है कंपनी ने। रेयर में टेल लाइट का डिज़ाइन पूरा चेंज कर दिया है, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ है। अभी तक वो किसी भी स्प्लेंडर में नहीं हुआ था, ना तो एक्सटेक में हुआ था, ना तो 01 एडिशन में हुआ था, फर्स्ट टाइम एक्सटेक 2.0 के अंदर हुआ है। इसके अंदर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिलेगी, प्लस इसमें मैट प्लस ग्लॉसी दोनों डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा, और प्लस इसमें बैक में भी एच शेप का एक इसमें आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा, कि एच शेप सिंबल की तरह वो पीछे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम लोग बात करें पीछे से एक और नए अपडेट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास अपडेट है, वो है रेयर का मड गार्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपनी ने हैवी कर दिया है। हैवी करने का उसका कारण है कि इसके अंदर जो इंडिकेटर्स थे ना, वो दूसरे वाले फिट नहीं हो रहे होंगे, तो इस हिसाब से वो भारी इंडिकेटर है थोड़े से सुपर स्प्लेंडर और एक्सटेक के, तो उस हिसाब से इसको थोड़ा सा अपडेट किया है, क्योंकि
वो वाला मडगार्ड इसके ऊपर ना इंडिकेटर्स के ऊपर थोड़ा सा वो ऐसे ही छोटा लगता नॉर्मल सा, तो उसको कर देख के कंपनी ने थोड़ा सा मडगार्ड को अपडेट किया है। और अपडेट क्या किया है, उसको पूरा ही चेंज कर दिया है, रीडिज़ाइन कर दिया है, एकदम बढ़िया लग रहा है और हैवी सा लग रहा है देखने में स्प्लेंडर का जो बैक साइड वाला एरिया है। अगले चेंज की बात करें तो इसका जो चेन कवर है ना, उसको अब पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। पहले इसको मेटल में देते थे, अभी इसको फाइबर में दे दिया है। फाइबर में देने से बाइक का वजन थोड़ा कम हो जाएगा और बाइक जो है ना वो एवरेज थोड़ी सी और निकाल के देगी, कंपनी का कहना ये है। बाकी आगे के लिए कैसा होता है वो आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा वीडियोज़ के अंदर। और जो इसका जो चेन सेट हटाने से ना एक फ़ायदा जो मुझे पर्सनली समझ में आता है कि जब चेन लूज़ हो जाती है ना तो चेन मडगार्ड में लगती है, उसमें चेन ना चेन गार्ड में लगती है तो चेन की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा उसमें देखने के लिए मिलती है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए कंपनी ने इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। इसमें थोड़ी सी गैपिंग भी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा इसमें आवाज़ नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये चेंज थोड़ा सा ठीक ही किया है कंपनी ने। अगले चेंज की बात करें तो वो आता है हमारे जो इसके साइड व्यू मिरर आते हैं, बैक व्यू मिरर या साइड व्यू मिरर कहें। तो इस मिरर का जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा पहले बेसिक और सिंपल आता था, लेकिन अब कंपनी ने उसको चेंज करके थोड़ा सा उसको अच्छा कर दिया है। उसमें एक बढ़िया सी फिनिश दे दी है, जिस कलर की आपकी बाइक होगी उसी कलर का करीब करीब उसमें शेड देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अगर इस बाइक के अंदर हम लोग बात करें कि इंजन के अंदर कोई चेंज हुआ है, तो इंजन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, वही 97.4 cc का इंजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंगल स्ट्रोक एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। और टायर और ब्रेक्स में इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ये बिल्कुल सेम ही होने वाले हैं पहले जैसे। कलर वगैरह में भी करीब करीब थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है कंपनी ने। और जो इसका मीटर आता है ना, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, वो फुली डिजिटली मिलेगा, जो उनसे एक्सटैक में मिलता है ना, एक्सटैक वाले वेरियंट्स में वही वाला इसमें देखने के मिलेगा। आपको इसमें ब्लूटूथ कॉल की फैसिलिटी मिलेगी और रियल टाइम माइलेज वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा कंपनी ने। और एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें का मैं छोड़ दिया हूँ, वो आपको बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो इसके जो बटन्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कर दिए हैं, कि मतलब कि इतना प्रीमियम कि जैसे आप समझ लो कि आपने उसको ना किसी KTM की बाइक में देखा हो, ऐसे उसके बटन्स और वो सब कुछ लगा दिए हैं। आप जब उसको रियल टाइम फील करोगे ना हाथ चला के उसको, उसके बटन को यूज़ करके, तब आपको पता लगेगा काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कर दिए हैं। उसके जो बटन्स हैं, उसके जो सारे के सारे स्विच कंट्रोल्स हैं, वो सारे बहुत ही ज़्यादा अपडेट कर दिए हैं। ओवरऑल अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है इंजन के अंदर। इसके अंदर जो ज़्यादा चेंज किया है वो कॉस्मेटिक्स के अंदर चेंज किया हुआ है कंपनी ने। तो मेरी तरफ से जो देखा जाए तो कंपनी की तरफ से ये वाली बाइक आने वाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइक होने वाली है, क्योंकि अंडर 90,000 से लेके 1,00,000 के बीच में ये करीब आएगी, जो कि मुझे लग रहा है इसका एक्सपेक्टेड प्राइस करीब करीब यही होगी। क्योंकि पहले वाली जो आती थी वो 94,000 की आती थी, अब इसमें सारी इतने सारे अपडेट किए हैं तो इसमें कम से कम 1,000-2,000 कंपनी बढ़ाएगी, तो 96,000 मान के चलो। तो ये इसका प्राइस करीब करीब होने वाला है। और इतने प्राइस में इतना कुछ अगर कंपनी दे रही है, और कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली टॉप सेलिंग बिकने वाली बाइक है, अगर 3,00,000 बाइक बिक रही है महीने के अंदर, तो फिर इतना प्राइस इसका थोड़ा बहुत ही बनता है। क्योंकि जो चीज़ नहीं बिकती उसी का प्राइस कम होता है, और जो बिकती है उसका प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है। तो फिर ये थे मेरे कुछ ओपिनियन, और मैंने कुछ आपको जो इसकी डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि इसके अंदर आपको नया क्या क्या मिलेगा 2.0 के अंदर। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को दो सब्सक्राइब ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई कमेंट है या कोई आपके सुझाव या कोई जानकारी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ। फिलहाल के लिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।